70 साल 72 साल जिनी देर अपनी आजादी हो गए है, हर सरकार इसे काम से उतरी हुई, इन्हों बंदे बनाओ, एको टीचा सारे का। और राजीव लौंगोवाल वाली भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर ने प्रोमिस किया, मतलब एक कोई छोटे मोटे किसी दुकानदार ने प्रोमिस नहीं किया कि मुकर गया शाम को, सवेरे सौदा बेचा शाम को मुकर गया। दो छोटिया गल्ला कहनिया मां स्पीकर मुख्यमंत्री साहब आ गए, एक मिनट जी चीफ मिनिस्टर जी ने सुना नहीं, उन्होंने गल हो रहा। तुम पौने 3 करोड़ पंजाब दे आबादी का सुनिया दे रहे हो, दिल्ली च ना सुन, उन्होंने मूर्खता ही है। नलायक ने जिहड़े छे जिहड़े जमहूरी कदरा कीमतों छिके ते टांग के पौने 3 करोड़ आबादी नूं कहिंदे तुहाडा कोई परवाह नहीं, जिन्ने मर्जी मते पास करी चलो, पर इहदा मतलब नहीं कि आपां पिछे हट जाणा, आपां लड़ना है। एक मिनट जी स्पीकर साहब, प्लीज डोंट गैट द वॉइस। सरदार सुखपाल सिंह खैरा। स्पीकर साहब, मैं अज दे इस बड़े अहम मते दे हक विच खड़ा होया जी, सपोर्ट करन लई। मेरे तो पहला बहुत मैंने खेज गल्लां होईयां ने, उन्हां सारियां गल्लां दी मैं तारीफ करदा। स्पीकर साहब, इतिहास गवाह वा कि यह जिहड़ी धरती है पंजाब दी, यह साडे गुरु साहिबान दे खून नाल, छोटे छोटे साहिबजादियां दे खून नाल, पीरां पैगंबरां दे खून नाल सिंजी हुई धरती है। इस नूं निशाने पर इसलिए लिया जाता वा क्योंकि जिहड़े संस्कार जो सानू साडे पुरखे ते साडे गुरु साहिबान दे के गए ने कि असीं हमेशा बेइंसाफी दे खिलाफ, तशद्दुद दे खिलाफ और जुल्म दे खिलाफ हमेशा लड़े, चाहे वह लड़ाई अबदालियां ते दुरानियां ते मुगलां दी होवे, ते चाहे वह लड़ाई देश की आजादी वास्ते अंग्रेजां दी सरकार दे खिलाफ होवे, चाहे वह गदरी बाबियां ने लड़ी होवे, चाहे वह बब्बर अकालियां ने लड़ी होवे, चाहे वह कूका मूवमेंट दे राहीं लड़ी होवे। अफसोस सिर्फ इस गल का वा कि बजाए सानू इनाम देने दे, सानू हमेशा निशाने ते लैके ते सबक सिखाउण दी नीति चलती आई है। मैं पावां कि अज कांग्रेस विच इत्थे खड़ा वा, पर इतिहास तो किसी नूं बख्शेगा नहीं ना, पोस्टेरिटी वैन हिस्ट्री विल बी रिटन, एवरी फ्लॉ ऑफ एवरी गवर्नमेंट विल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। इसलिए मैं जो साडे सूबे दे नाल, अगर फर्ज करो सोच के देखो जे कितने छोटे छोटे साहबजादे उदरण अपने नीहां च ना चिणे जाते तो कबूल लेंदे इस्लाम, की भारत शकल यह होनी सी? जे शहीद भगत सिंह वर्गे तो जे पंजाब के बहादुर लोग उस वक्त अंग्रेजों के ना के खिलाफ लड़ाई ना लड़ते तो की भारत शकल यह होनी सी? यह अलहदा ही होना सी देश। और सब तो व्डा जरा जो मैसिव पॉपुलेशन शिफ्ट हुई ड्यूरिंग पार्टीशन, 1.5 करोड़ के करीब आबादी कतलो गारत शिफ्टिंग चढ़ते तो लेंदे पंजाब विच, एडी वड्डी बनिया बनाया सब कुछ, जिदा इतों क्या कि बाहर के इलाके जमीन छड़ के इतने उजड़ के आन के इस देश का साथ दिता, जे अगर ना देंदे तो की भारत की शक्ल होनी सी? बजाए सानू इनाम देने दे, इन्ना मतलब पिछले घट्टो घट चलो हम ताजी गल कर लेने कि 70 साल 72 साल जिनी देर अपनी आजादी हो गए है, हर सरकार इसे काम से उतरी हुई, इन्हों बंदे बनाओ, इको टीचा सारे का, चाहे साड़ी राजधानी, चाहे साड़े पानी, पंजाबी बोलते इलाके, ये सारा कुछ जोड़ा वा एक व्योंतबंदी के तहत हो रहा। जिन्होंने पहला किया गलत सगा वो गलत ही रहना वा, चाहे असी लख डिफेंड कर लिए उसनों, पर अफसोस है कि आ हूँ ताज़ा मैं याद है मेरा अपने इलाके जमाना तलवंडी पिंड है एक, उत्थे अज तो 4-4.5 महीने पहला एक लाश आई है एक फौजी की, सूबेदार जसविंदर सिंह की, भी जवान मारे गए जम्मू कश्मीर एक इनकाउंटर च, उन्होंने भी पांच पंजाब के, पांच लाशा आई हैं पंजाब, एक मेरे हल्के लाश है, तो किना की लाश सी? वो जो दिल्ली दरूहों पर बैठे से साढ़े किसान सवा साल, जिथे तकरीबन 600-700 बंदा मर गया सिर्फ हकी गल कह वास्ते, कुछ एहसान नहीं मंग रहा सीगा, कोई तोहफा नहीं मंग रहा केंद्र सरकार तो, सिर्फ अपना अधिकार मंग रहा सीगा कि कानून साढ़े खिलाफ ने, इन्हों रद्द किया जाए, तो उन्होंने टिचरा हो रही सी, उन्होंने झेडा कीतिया जा रही कि खालिस्तानी ने, ये पाकिस्तानी ने, ये हुल्लड़बाज ने, ये नक्सलवादी ने, उन्होंने बच्चे उत्थे बॉर्डर के उत्ते इस देश की राखी करते, फर्ज करो ना होंगे, फर्ज करो एक मिनट वास्ते ना होंगे कि बीजेपी के जोड़े व्यापारी वर्ग के लोग ने उत्थे राखी कर सकते सके, राखी ये करन तो सजा भी इन्हों हो, पहली बार शायद दुनिया के इतिहास में मैं नजर आ रहा वा।
सो इसलिए मैं आज जी ताजी गल की है, बहुत अच्छा किया भगवंत सिंह मान ने इनिशिएटिव लिया कि एक सैशन लाया। सैशन का मतलब यह होंगे कि तुम पौने 3 करोड़ पंजाब के आबादी का सुनिया दे रहे हो दिल्ली च, ना सुन उन्होंने की मूर्खता ही है। अमन उन्होंने पढ़े कि 6 बार मते पास किए, वह नलायक ने जेडे छे जे जमहूरी कदर कीमतों छिके से टंग के 3.25 करोड़ आबादी को कहते तड़ा कोई परवाह नहीं, जिन्हें मर्जी मते पास करी चलो, पर यह मतलब नहीं गा कि आप पिछे हट जाना, आप लड़ना है। ठीक है, तुम इतने विधानसभा लड़ाई लड़ी है, तुम विश्वास दवाया कि बाहर भी लड़ा, जिथे जिथे लड़ोंगे साडे मैंबर साहबान ने सारे ने कहा तुहाडे नाल खड़ांगे। जब पंजाब की कोई गल आऊगी बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे, एक 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 छोटा जा भी कितने कॉम्प्रोमाइज नहीं नजर आएगा तुहानू इस लड़ाई दे विच, चाहे लख केस बनाई जान, कोई सरकार टक्की आन, जिन्ना मर्जी जो मर्जी करी जान, पर जिथे साडे सूबे की गल आ, साडी भाषा की गल आ, साडे भविख की गल हैगी आ, वो आप सब एक एक थान से इकट्ठे हैं। नहीं तो फिर आप अगलियां पुश्ता नहीं कभी माफ करनियां, कह नलायक बंदे साडे जिहड़े पुराने इत्थे भेजदे सी विधानसभा। चंडीगढ़ ने 2-3 गल्लां करनियां जी। पहली गल तां स्पीकर साहब, चंडीगढ़ बनिया कित्थे आ? बुधराम जी ने कहा पंजाब के पिंड उजाड़े गए, इत्थे तां 1 इंच भी धरती हिंदी स्पीकिंग नहीं सी, फिर देता चक के रैणे नूं, ते सारे पिंड खरड़ तहसील दे विच अधीन आउंदे सीगे, साडी जमीन ते बनिया, साडे वास्ते बनिया। 1948 जन कंसीव किया गया, पंजाब की राजधानी बनिया, जिदा कहता पेरेंट स्टेट जो भी झगड़ा होया दो स्टेटा में, कोई भी कैपिटल जरा पेरेंट स्टेट को रिट्रीव हो, चाहे वह बॉम्बे हो या होर, तुसी कोट किए बहुत सारे अपने कैपिटल, तो पंजाब का क्यों जी? और पंजाब नू अपनी जबान से आधारित सूबा लैन वास्ते लड़ना पाया, फिर जेलों च जाना पाया, धक्के खाने पे, तो जिन्हां सूबिया ने कुछ सूबा मंगया नहीं उन्होंने उदा बैठे मिल गया, हिमाचल एंड हरियाणा देने वा आस फॉर अ स्टेट। और जी सा असी अपनी राजधानी बनाई वर्ल्ड, इट्स लाइक अ वर्ल्ड क्लास सिटी, जो तुम इतने जिक्र किया दुनिया के शहरों में चंडीगढ़ का नाम वो दर्ज आ, इदा ही चल जान देंगे असी। और 60-40 का अनुपात इन्होंने पहला डैमेज किया जान के, सिर्फ जिदा प्रताप उन्होंने कहा कि यह हौली हौली चेक कर रहे हैं अपने वॉटर्स, ये सही लेंगे ने तो कर दौ, होर सह लेंगे ने होर कर दौ, ये हम अपना इम्तिहान है सारा, इस विधानसभा मगलिया छड़ दो, जो उन्होंने किया गलतियां की नहीं की उस छड़ दो एक मिनट वास्ते, ये अपना इम्तिहान है कि जे तो आप इस लॉजिकल कंकलूजन से लैके जावे तो लोग कहेंगे हाँ भाई ये जरा सदन सेगा इतने काबिल आदमी आए हैं तो अच्छी गल्ला कीतियां इन्होंने, तो जे असी भी कह देंगे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर सानू भी उही पुराने विच गिणा जाएगा। इस तो अलावा कंक्लूड करो स्पीकर साहब, जो दूजे पास बोले से उन्होंने टाइम देखो जरा, टाइम मैंने तो कोई त्राल नहीं है, तुम थोड़ा जहा देखो, यू आर अ वेरी फेयर पर्सन एज फार एज आई नो यू, आई नो यू पर्सनली, थोड़ा जहा टॉलरेट करो जी। स्पीकर साहब और राजीव लौंगोवाल वाली भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर ने प्रोमिस किया, मतलब एक कोई छोटे मोटे किसी दुकानदार ने प्रोमिस नहीं किया कि मुकर गया शाम को, सवेरे सौदा बेचा शाम को मुकर गया, ये उत्थे फिर नहीं ऑनर होया। और द वर्स्ट थिंग इज के जे बीजेपी ने मसला लेके आना सीगा, इसनों सारा नू पुछते जिहड़े स्टेक होल्डर सीगे, पंजाब की सरकार नू पुछते, हरियाणा नू भी फर्जी पुछ लेंदे बुला के, उन्हां तां मोहरी लाउणी सीगी, तुहानू पुछदे बुला के कि आ असीं सेंट्रल रूल्स इत्थे लागू करन लगे हां, सारे इंपलॉइज़ नू असीं अपने अधीन करन लगे हां, की तुसीं सहमत हो? किसी नू पुछया नहीं। दिस इज एबसोल्यूटली एरोनियस, इट्स यूनिलैटरल, इट्स डिक्टेटोरियल, इट्स अनडेमोक्रेटिक, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड 100% अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पंजाब एंड विल रिमेन सो। हुण आ गई गल जी इंपलॉयज की, इंपलॉयज के बारे कह रहे, बा मोढ़ा उन्होंने इंपलॉयज का रख लिया, किन्ने क इंपलॉयज है चंडीगढ़ के, पंजाब की किन्नी आबादी, पंजाब की वसो चंडीगढ़ कि रही है, साढ़े स्टेक्स की ने, साडा ये इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने नहीं पूछा, इंपलॉयज चाहते थे। तो स्पीकर साहब एक बार इस मते च कितें लिखो कि चंडीगढ़ तो पहले यूनियन टेरेटरी है, तुहाडे अधीन नहीं है, तुहानू कौन रोकता, तुसीं इंपलॉयज़ नूं भावें 7वां पे कमीशन बना दो, होर 3-4 होर कट्ठे दे दो, सानू की इतराज़ आ, जिनी तनखाह देनी चाहुंदे तुसीं दे दो, सानू कोई इतराज़ नहीं है। बट ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट बिकॉज इंपलॉयज़ आर सेइंग सो, देयरफॉर वी आर इंपोजिंग सेंट्रल रूल्स ऑन चंडीगढ़, दिस इज एब्सोल्यूटली अनएक्सेप्टेबल, इट हैज नो लॉजिकल, इट हैज नो लॉजिक एट ऑल, इट इज बेरेफ्ट ऑफ एनी एनी वाइज थिंकिंग। देयरफॉर असी सारे इकट्ठे होकर जिन्हें असं इधरले पास भी बैठे हैं या बाकी उधर भी बैठे हैं, इस बीजेपी के जोड़ा मनसूबा है, जो अगर आप अज ना अपोज किया, मेरी गल याद रखना, वो आपू हौली हौली, क्योंकि आप लड़ना है ना, आज जो अंदोलन होया, माफ करना सारे देश के किसानों सल्यूट, पर बेसिकली अंदोलन जोड़ा यह पंजाब के
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਪੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਓ 117 ਬੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਜੂਮ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਟੇਟ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਰੂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਇਸੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ 4 ਤੇ 22 ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ 18-20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮੈਂ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕੁ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗਾਈਡ ਦ ਵੌਇਸ ਜੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50-60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਏਕੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ